नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 और खबर बेबाक। महाभारत का समय था। धर्मराज युधिष्ठिर ने राज काज नारी सब कुछ दाव पर लगा दिया था। धर्मराज होते हुए भी वो ये दाव लगाने के बाद भी जीत ना सके और सब कुछ हार कर वन को चले गए। जीता कौन? एक पापाचारी दुर्योधन। जी हाँ, महाभारत की राजनीति हो या आज की राजनीति, हार जीत का जो पैमाना है वो कोई किसी के सही और गलत होने का नहीं है, ना ही वो कुछ ऐसा पैमाना है कि कोई अगर जीत गया तो वो जनता का बहुत करीबी है या कोई हार गया तो वो जनता के कोप का भागी है। ये महज चुनाव है और चुनावों में कोई भी जीतता और हारता है। चुनावों में दाव लगाने होते हैं, राजनीति में दाव बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए शायद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कुछ दाव की राजनीतियां शुरू हो गई हैं। दाव की राजनीति में सबसे ज्यादा जो दाव लगा है वो बालों पर लगा है। आप जानकर हैरान होंगे, बाल और दाढ़ी मूछों पर दाव लग रहे हैं। और ऐसा नहीं है छत्तीसगढ़ की सियासत में होता है, बल्कि ये देश की सियासत में होता रहा है और हुआ है और शायद आगे भी जारी रहे। आज हम इसी पर बात करेंगे कि देश भर में कब कब किसने अपनी दाढ़ी मूछों को, अपने बालों को दाव पे लगाया और उसके क्या नतीजे रहे। ये जो नतीजे हैं, ये जो दाव हैं, ये दाव बहुत नेताओं को कुछ देकर भी गया है और बहुत नेताओं से कुछ लेकर भी गया है। आज की पड़ताल इसी पर। आज हम बात करेंगे रामविचार नेताम के उस बयान पर जिसमें उन्होंने खुद नहीं बल्कि अपने साथी नंदकुमार साय के बालों को दाव पे लगा दिया और कहा कि अब ये बाल तभी कटेंगे जब प्रदेश में भाजपा की सरकार आ जाएगी। पहले जानिए क्या कहा रामविचार नेताम ने। भूपेश बघेल को जब तक कुर्सी से नहीं पटकेंगे तब तक इनका बाल नहीं कट पाएगा। भाजपा के कद्दावर नेता और रमन सरकार की पहली पारी में गृह मंत्री रहे रामविचार नेताम ने कहा, जब तक छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार नहीं बन जाती नंदकुमार साय अपने बाल नहीं कटवाएंगे। यह भी खूब रही। वैसे तो नंदकुमार साय बाल बड़े ही रखते हैं, उनके बालों की लंबाई बताती है कि वे इन्हें संभवतः 6 से 7 महीनों में ही सेट करवाते होंगे। अभी चूंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव का समय भी इतना ही बचा है। खैर, यह भाजपा का आत्मविश्वास है या कांग्रेस को डराने का टोटका, देखा जाएगा। फिर पीछे कोई क्यों रहता भला? तो कांग्रेस में कोई नहीं दिखा तो अमरजीत भगत आगे आए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी मूछें दांव पे लगाता हूं, अगर भूपेश सरकार दोबारा सरकार में नहीं आती है तो मैं अपनी मूछें मुंडवा लूंगा। जवाब में क्या बोले अमरजीत और क्यों? अगर अगली सरकार हमारी नहीं बनेगी तो मैं मूछ मुड़वा दूंगा। वैसे तो रामविचार नेताम के इस दाव का जवाब देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई इस ट्रेंडिंग अवसर को गवाए क्यों? सो अमरजीत भगत ने कह दिया, वे भी कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हुई तो मूछ मुड़वा लेंगे। ठीक कहा भगत ने, लेकिन यह भगत ने क्यों कहा? क्योंकि मोहन मरकाम बाल पहले से छोटे रखते हैं और मूछें वे रखते नहीं। मंत्रिमंडल में मूछ रखने वाले नेताओं में अमरजीत भगत की ही मूछें इतनी बड़ी हैं जो चेहरा चेंज शो कर सकती हैं। बाकी मूछ रखने वालों में रविंद्र चौबे, प्रेम साय सिंह टेकाम, जय सिंह और खुद मुख्यमंत्री बघेल हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी मूछें अमरजीत भगत की ही है। खैर, ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अमरजीत भगत PCC में नाम आने के बाद से कुछ ज्यादा ही कैच लपक रहे हैं। बालों की और मूछों की दाव की जो सियासत है वो हम बात करते हैं इस सदी के 2 दशकों की सियासत पर। दशक की शुरुआत थी और देश में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार थी, हार गई थी और उस सरकार की अहम मंत्री सुषमा स्वराज ने ऐलान किया कि अगर सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो सिर मुंडवा लेगी। सुषमा स्वराज ने कहा था, सोनिया PM बनी तो मुंडन कराऊंगी। राजनीति में पुरुष नेता मूछों को दांव पर लगाते हैं तो स्त्री राजनेता अपने बालों को। सुषमा स्वराज ने 2004 में कहा था, अगर सोनिया गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनती हैं तो वे अपना सिर मुंडवा लेगी। हालांकि ऐसी नौबत आई नहीं। इस बात का असर हुआ या कोई और बात रही, अंततः उनको बाल मुंडवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यानी सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी। उन्होंने अपने खास सिपहसालार
मनमोहन सिंह को आगे कर दिया। ऐसे ही बात हुई थी 2003 में जब उमा भारती ने निजी संकल्प लिया था कि वो अगर मध्य प्रदेश में सरकार की वापसी कर देती हैं तो वो तिरुपति जाकर के अपने बाल दान करके आएंगे। तिरुपति में ये परंपरा है कि वहाँ पर बाल मुंडवाए जाते हैं और उनको वहाँ पर छोड़ के आया जाता है। उमा भारती मुख्यमंत्री बनती ही है और बनते ही वो सबसे पहला काम ये करती हैं और महीनों तक वो ऐसे ही मुख्यमंत्री के रूप में काम करती रहती हैं। इनके अलावा 2003 का ही एक और वक्त था जो मैंने अभी आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में दिलीप सिंह जूदेव ने अपनी मूछों को दाव पे लगाया और कहा कि अगर भाजपा की सरकार नहीं आई तो वो मूछें मुंडवा लेंगे। वो मूछों के लिए जाने जाते थे और दिलीप सिंह जूदेव को देश में कुछ इस तरह की मुद्रा में उनके फोटो आप आज भी देख सकते हैं। हालांकि जूदेव की भी नौबत ऐसी नहीं आई कि उनको मूछें मुंडवानी पड़ी। जूदेव की मूछों से निकला 15 साल राज का रास्ता। 2003 में भाजपा ने दिलीप सिंह जूदेव को चेहरा बनाया था। छत्तीसगढ़ भाजपा आत्मविश्वास से सराबोर थी। उन्हें उनकी रौबदार मूछों के लिए जाना जाता था। जूदेव ने कहा था अगर भाजपा सरकार नहीं बनी तो मैं अपनी मूछें मुंडवा लूंगा। हुआ यूं कि सरकार बन गई। जूदेव को मूछें नहीं मुंडवानी पड़ी, हालांकि वे मुख्यमंत्री किन्हीं और कारणों से नहीं बन पाए। यानी हम कह सकते हैं कि दाढ़ी मूछ बाल की जो राजनीति है ये आज की नहीं है, वर्षों से चलती आई है और भारत की राजनीति का ये बहुत ही खास शगल है कि वो कुछ ना कुछ दांव पर लगाते हैं। दिसंबर में हम देखेंगे कि अमरजीत भगत मूछों से सपा चट नजर आते हैं या नंदकुमार साय जटा जूट के साथ नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे यानी वरुण सखा जी के साथ। नमस्कार। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज़ अड्डा सिर्फ IBC 24 @YouTube पर।